हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है आंसर की निकल चुका है और आपको 2 दिन का समय मिला था कि आपको उसका वो देना है, जो आंसर की को चैलेंज करना है। तो बहुत कम ही टाइम पे इसे दिवाली में ही इन्होंने आंसर की निकाल दिया था। और अभी आपके पास आज ही का दिन है, तो मैं जल्दी से सारे का आंसर दिया। आपको पहला पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके जा सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, जल्दी से देखते हैं क्या इसका आंसर है, क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होता है। तो डाइटोमाइट जो होता है वो एब्रेसिव की तरीके से यूज़ होता है किस में? ब्लीडिंग में, रूफिंग में, स्कोरिंग में या बर्निंग में? तो देखिए, जो डाइटोमाइट होता है, डाइटोमाइटेशियस अर्थ, वो एक गुड एब्रेसिव होता है, मतलब क्लीनिंग, आप स्किन विस्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, सोप्स में या अदर जो बाथ प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीन करना, तो स्कोरिंग ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डाइटोमाइट इज यूज्ड एज एब्रोजिन इन ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कोरिंग, ये करेक्ट है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, वाटर लॉगिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ सॉइल टाइप। देखिए पूछ रहा है किस सॉइल टाइप में आपका वाटर लॉगिंग होगा। तो देखिए, वाटर लॉगिंग उसमें होगा जहाँ पे जो सॉइल में ज़्यादा पोरोसिटी नहीं होती है। देखिए, जो क्ले सॉइल होते हैं उनका जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जिसके में उसमें कैपिलरी जो होता है ज़्यादा नहीं बनती हैं। इस वजह से वो उसमें जो वाटर का पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, क्लेई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 066, नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा है इसमें से? देखिए, जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं बहुत सारे हैं, बैक्टीरॉइड्स, फ्यूजर बैक्टीरियम, टेरोस्ट्रेप्टोकोकस और एक्टिनोमाइसीज, इन सब। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपका एक्टिनोमाइसीज है, यही एक नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 053, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम किसे बोलते हैं? तो देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है आपका ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज रिफर्स टू रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 077, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज बाई हेटरोट्रॉफ इज नोन एज। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे पूछा क्या है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो हो रहा है, लेकिन कह रहा है नॉट यूज बाय हेटरोट्रॉफ, दैट मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये मतलब किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ये तो डेफिनेशन ही है ही नहीं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है जो यूज़ नहीं किया गया है हेटरोट्रॉफ द्वारा, अब यहाँ पे एक प्लांट की बात ही नहीं, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही, तो इसको हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, पूछा है आपका ये NO3 और PO4 सुक्रोज एमिनो एसिड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसके द्वारा इंटर होता है? ध्यान रखिएगा, ये जो है सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में H+ सिंपोर्टर के द्वारा इनकी एंट्री होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड, H+ सिंपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 045, द इकोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर नेचर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इज डिफाइंड एज। देखिए क्या रहा है, इकोलॉजी किसका, स्ट्रक्चर का, नेचर का, ऑर्गेनाइजेशन का, डेवलपमेंट का, जो प्लांट कम्युनिटीज है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, फाइटोसोशियोलॉजी और पेलियो इकोलॉजी तो अलग अलग है। आर्ट इकोलॉजी में एक इंडिविजुअल, किसी स्पीसीज के एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, और सीन इकोलॉजी में पूरे का पूरा कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कम्युनिटी की बात हुई है, तो आपका क्या होगा, सिनिकोलॉजी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 024 है ये आपका, लिस्ट फर्स्ट है, इसको लिस्ट सेकंड से मैच कराता है, मेथिल वायलोजन क्या है, डायूरोन का है, बी ए क्या है, क्रिप्टोक्रोम क्या है। तो देखिए, क्रिप्टोक्रोम में एक ब्लू लाइट रिसेप्टर है, तो डी का क्या होगा, 4 होगा, ये सारे ऑप्शन में है। ए बी ए का एक एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में यूज़ होता है, तो सी का सेकेंड, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब ए और बी के बारे में आपको बताना था, तो देखिए जो मेथिल वायलोजन है, मेथिल वायलोजन आपका क्या है, ए का थर्ड होगा, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और जो डायूरॉन है ये प्लास्टिक यूनियन की तरीके से काम करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 051, सेची डिस्क जो होता है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है? देखिए, जो सेची डिस्क है आपका, ये एक 8 इंच का डिस्क होता है जहाँ पे ब्लैक और वाइट अल्टरनेटिंग स्टेप्स होते हैं, और इसको वाटर के अंदर डाला जाता है
एट द डेप्थ ऑफ देयर डिसअपीयरेंस, जिसको सिची डिप्थ बोला जाता है, और ये वाटर के टर्बिडिटी या ये कह लीजिए वाटर के ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट टर्बिडिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, क्वेश्चन आई डी 049, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पेल्टी इन प्लेंटी इन लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल जो होता है, जैसे आप कह लीजिए वो एल्यूमिनियम और आयरन वहाँ पे होता है, और ये यूजली रस्टी रेड कलर के दिखते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा फेरस। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, क्वेश्चन आई डी 103, द प्लेस वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेड विद डीएनए इज कॉल्ड। देखिए अगर वहाँ पे आपने वो पढ़ा होगा ओपेरॉन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पढ़ा होगा ना प्रमोटर साइट होता है, ऑपरेटर रिप्रेसर ये सब सारे होते हैं, एक्टिवेटर साइट, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है वो क्या है आपका प्रमोटर साइट होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम, क्वेश्चन आईडी 078, द मैच्योर रिलेटिवली सेल्फ मेंटेनिंग सीरियल स्टेज इन विच सक्सेशन टर्मिनेट इज नोन एज। देखिए वही है कि कह रहा है जो मैच्योर लास्ट स्टेज है, मैच्योर जो होगा आपका रिलेटिवली सेल्फ मेंटेनिंग होता है, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज होते हैं ये मैच्योर होते हैं, सेल्फ मेंटेनिंग होते हैं, और सक्सेशन वहीं पे टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात हो रही है, इसके लिए इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 102, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। ये क्रोमोजोम एबरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोनोजोमी नलीजोमी ट्राइजोमी एंड टेट्रासोमी। देखिए मोनोजोमी का क्या मतलब होता है, 2n-1, नलीजोमी का मतलब 2n-2, ट्राइजोमी का मतलब 2n+1, और टेट्राजोमी का मतलब 2n+2। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला है, मतलब ए का होगा चौथा, बी का होगा तीसरा, सी का होगा आपका फर्स्ट, और डी का होगा सेकेंड। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 076, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज हैविंग हैबिटेट अडॉप्टेशन आर नोन एज। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन होते हैं उनका अगर सेम हैबिटेट अडॉप्टेशन होता है तो वो क्या कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज का डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट है, डैट मीन्स उनका थोड़ा सा जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और हैबिटेट अडॉप्टेशन तो उनमें रहता ही है, हैबिटेट को अडॉप्ट करने के लिए उनमें वेरिएबिलिटी आती है, और ऐसे को हम इकोटाइप्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 002, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोमेज। देखिए फोटो रिवर्सिबिलिटी की बात हुई थी अभी कि फाइटोक्रोम में फोटो रिवर्सिबिलिटी होती है, पी फॉर्म से पीआर फॉर्म और पीआर फॉर्म से पी फॉर्म में ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। वेवलेंथ पूछा है इसमें, अब देखिए दोनों एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग, जो पीआर फॉर्म है वह ब्लूइश फाइटोक्रोम है, और वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है 660-680 नैनोमीटर के वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जो पी फॉर्म है वो फार रेड जो होता है 730 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो पी वाला रेड जोन में एब्जॉर्ब करेगा और पी आर वाला रेड जोन में एब्जॉर्ब करेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा, और जो पी फॉर्म है वो हायर वेवलेंथ का लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, तो वो 730 होगा। तो पी आर यहाँ पे दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड 680 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 094, द टेंडेंसी ऑफ को एग्जिस्टिंग स्पीसीज टू फिल ऑल अवेलेबल स्पेस अलॉन्ग रिसोर्स ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज। देखिए कोई रिसोर्स ग्रेडियंट है, और जो को एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं वो सारे जो अवेलेबल स्पेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वो फिल करने की, पूछा है इसको हम क्या टर्म करते हैं। देखिए जो निच ब्रेथ है, ये कोई भी स्पीसीज जो भी जितना उसका एक दायरा रहता है, ठीक है, कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने का, वो निच ब्रेथ कहलाता है, इसको निच ब्रेथ भी बोलते हैं। जब दो स्पीसीज का जो दायरा होता है वो ओवरलैप करता है किसी एक रीजन में, उतने रीजन को हम निच ओवरलैप कहते हैं। और इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, इसका निच पैकिंग है। निच पैकिंग में क्या होता है, जो कोएग्जिस्टिंग स्पीसीज होते हैं ये पूरा जो अवेलेबल स्पेस होता है रिसोर्स ग्रेडियंट का उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आते हैं, क्वेश्चन आईडी 040, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड्स विच वन इज मोर सुटेड फॉर द हेमिक्रिप्टोफाइट। तो ये राउंड कियर लाइफ फॉर्म से आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इन्होंने मेनली पांच बताया था आपका, जैसे फेनरो फाइट्स, केमी फाइट्स, क्रिप्टो फाइट्स, हेमी क्रिप्टो फाइट्स, थीरो फाइट्स, इन सब के बारे में बताया था। यहाँ पे कह रहा है, और आपको पता है जो राउंडकीर का क्लासिफिकेशन था वो पेरिनेटिंग जो बर्ड्स होते हैं उनके लोकेशन के बेसिस पे था। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेमी क्रिप्टो फाइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखिए, क्रिप्टो फाइट्स मतलब अंडर बिलो द ग्राउंड सरफेस, और उससे ऊपर अगर आता है तो वो उसमें चले जाते हैं। पर यहाँ पे हेमी है, हेमी का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड सरफेस पे ही लोकेट होना, ना ग्राउंड सरफेस से ऊपर नहीं, ग्राउंड सरफेस के जस्ट अबव, तो वो हेमी क्रिप्टोफाइट्स में आते हैं। इसीलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि हेमी क्रिप्टोफाइट्स आर प्लांट्स विद पेरेनेटिक बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड सर्फेस। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 084, द एयर जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, एयर एक्ट, वो कब फोर्स आया था। तो इंडिया में जो आपका एयर एक्ट है ये 1981 में फोर्स लागू हुआ था, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 086, जनरल अपीयरेंस ऑफ विजिटेशन एज डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ फॉर्म ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज इज नोन एज, कि जो जनरल अपीयरेंस होता है विजिटेशन का, कहीं का भी जो विजिटेशन है, बहुत सारे टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, उनका जो जनरल अपीयरेंस होता है वो वहाँ पे डोमिनेंट स्पीसीज के ग्रोथ फॉर्म पे डिपेंड करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम फिजियोगनॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 022, आप देखेंगे आप कि लिस्ट दिया है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, लिंकिंग नंबर, सुपर कॉइलिंग, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और एलिनिंग को आपको देखना था। तो देखिए, डीनेचुरेशन सबसे आसान है कि यहाँ पे सेपरेशन होता है दो डीएनए स्ट्रैंड का फ्रॉम पेरेंटल डुप्लेक्स। फिर आते हैं एनीलिंग पे, तो एनीलिंग क्या है, एनीलिंग एक प्रॉपर्टी है रीनेचुरेशन की, एक तो डीनेचुरेशन उसके बाद एनीलिंग होती है, तो रीनेचुरेशन भी उसको कहा जाता है। तो डी का चौथा, सी का पहला, डी का चौथा सी का पहला, आपको यहाँ पे दो और तीन ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक। अब आता है आपका ए और बी। तो देखिए, लिंकिंग नंबर क्या है, ये जो लिंकिंग नंबर होता है ये किसी भी डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सुपर कॉइलिंग की बात कर लें तो ये टोपोलॉजी होती है डीएनए का मॉलिक्यूल किसी स्पेस में, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन आईडी 008, कैरेटिनॉइड जो होता है, कह रहा है उसका जो फीचर होता है कि वो ऑरेंज कलर के होते हैं और 400 से 500 नैनोमीटर के रीजन में वो कैसे लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये किस वजह से होता है, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीन, इट हैज़ मल्टीपल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, इट हैज़ नो पोरफायर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज़ नो मैग्नीशियम इन मॉलिक्यूल। देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इसका जो ऑरेंज कलर है 400-500 नैनोमीटर के रेंज में, इसलिए होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, इसी वजह से ये ऑरेंज कलर का दिखता है। तो स्टेटमेंट सेकेंड ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 083, इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन वेयर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज कास्ट लार्जली बाय एक्सटर्नल कंडीशंस एंड नॉट बाय द एग्जिस्टिंग ऑरिजिन इन नोन एज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखेंगे, आपको ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में, ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन क्या है। ऑटोजेनिक सक्सेशन तब होता है जब वहां पे ही जो प्रेजेंट स्पीसीज है उनकी वजह से सक्सेशन हो, और एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, जब जो सक्सेशन हो वो कॉज हो रहा है एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से। तो ये एलोजेनिक सक्सेशन का एग्जांपल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। जो स्पीसीज है लैक्टोबैसिलस का, कह रहा है किस किस स्पीसीज को हम नहीं यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड में। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे डेलब्रुकियाई है, पेंटोसस है और कैसियाई है, इसका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लैक्टिक एसिड के लिए, पर जो स्पोरोजीन्स है इसको हम नहीं यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 060 क्वेश्चन आईडी, कंट्रांसिया स्टेज बहुत पॉपुलर है, जो कार्पोस्पोर जो होता है जर्मिनेट करता है बेटरकोस्पर्मम में, तो पहले कंट्रांसिया स्टेज बनाता है, ठीक। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे, 079 कोड आईडी, द लिमिट इन द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज पॉपुलेशन इम्पोज्ड बाय एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज नोन एज। इससे रिलेटेड यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं। पहला तो यही है, देखिए बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ना हो उसमें एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी, उसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जो वहाँ पे कोई स्ट्रेस आ जाता है, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस जो आता है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं।
क्वेश्चन आई डी 055, सर इसका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये? तो ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, क्वेश्चन आई डी 069, वायराइड जो होता है उनका फीचर यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो वायराइड होता है इनका ये फीचर है, वायरसेस आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, उनका डीएनए आरएनए होता है, ये साथ में प्रोटीन होता है, पर जो वायराइड्स होते हैं इनका ये फीचर है ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपली नो प्रोटीन। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, क्वेश्चन आई डी 026, यहाँ पे दो दिए हैं, एक असर्शन है, रीजन है, फिर देखते हैं। असर्शन क्या है? लिनो फ्रैगमेंट होता है, कह रहा है ये प्राइमर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। तो ये जो ऑप्शन है आपका कि नीरो फ्रैगमेंट जो होते हैं प्राइमर्स को रिमूव करते हैं, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पे आते हैं, आल्दो नीलो फ्रैगमेंट हैज 5' to 3' प्राइमरीज एक्टिविटी, 3' to 5' इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी, बट डिवोड ऑफ 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आर ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे दिया गया है कि जो नीलो फ्रैगमेंट है वहाँ पे 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी तो होती है, पर 3' to 5' वहाँ पे इंडो न्यूक्लियस नहीं एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, पर यहाँ पे 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। तो आंसर की में दिया है कि दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बीएचयू ने यहाँ पे इंडो न्यूक्लियस लिखा है, यहाँ पे एक्सो न्यूक्लियस होगा, इंडो न्यूक्लियस नहीं होगा। इसलिए इनके की में जो इन्होंने बताया है कि पहला वाला सही है, एक्चुअली क्या सही है इसमें, थर्ड वाला सही है, ठीक है, या तो जो भी दिया हो फर्स्ट या सेकंड, पर थर्ड वाला इसमें इस हिसाब से सही है। अगर हम इंडो न्यूक्लियस यहाँ पे माने कि इनका प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तो थर्ड वाला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, 004 पे न्यूरी क्या है? देखिए न्यूरी जो है आपका ये एक तरीके का आपका एल्गल फ्लूड है, ये एक एलेबल सीवीड है जो कि रेड एल्गी है, पायरोपिया जीनस का, पायरोपिया जीनस के दो स्पीसीज मेनली यूजुएंसिस और टेनेरा जो स्पीसीज है, इनसे न्यूरी जो होता है फूड वो बनता है, तो ये टाइप का एल्गल फूड है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 029, द टोपोलॉजिकल फीचर ऑफ अ सर्कुलर डीएनए विल हैव नो इफेक्ट ऑन। देखिए टोपोलॉजिकल फीचर्स का मतलब सर्कुलर डीएनए है वो रिलैक्स फॉर्म में भी रह सकता है, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में भी रह सकता है, कह रहा है ये जो टोपोलॉजिकल फीचर्स हैं अलग अलग, इस पर किस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डीएनए लाइगेज एक्टिविटी, सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज और नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो टोपोलॉजिकल फीचर हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मतलब जब आप इसका इलेक्ट्रो फोर्सेस कराते हैं तो डिफरेंस आता है, ठीक है, कोई जैसे सुपर कॉइल्ड फॉर्म है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ओपन फॉर्म में है तो कम तेज़ी से मूव करेगा, तो ये इनमें डिफरेंस आपको मिलेगा, सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी में आपको भी डिफरेंस मिलेगा, जो कॉइल्ड फॉर्म है जल्दी सेडिमेंट होगा, जो रिलैक्स फॉर्म है धीरे धीरे सेडिमेंट होगा, लेकिन इस पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है उसकी ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब जो रेस्ट वीडियोस हैं वो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 90 और 91 से 120 कवर कर लूंगा, अभी ये आपका 1 बजे तक सारा हो जाएगा। ओके ठीक है, तो मिलता हूँ मैं उस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।